जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जेकर मैं इतना तो जान गया हूं, जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती। किस तरह धर्मा प्रोडक्शन ने फैंस को दिया जवाब? क्या सीक्वल में रिक्रिएट हो सकते हैं पुराने सीन्स? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त एंड होस्ट साक्षी शर्मा। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखा किस्सा और कुछ कुछ होता है टू से जुड़ी कुछ मनोरंजक बातें। दोस्तों, किसी भी फिल्म में किसी स्टार ने इस्तेमाल की हुई एक्सेसरीज हो, कपड़े हो, बाइक हो, कुछ भी हो, कुछ दौर तक वह चीजें ट्रेंड करने लगती हैं। अब आज तो ऐसी चीजें मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाती हैं और फैंस उस पर टूट पड़ते हैं। और चीजें मांगते वक्त भी वह सलमान खान ने इस्तेमाल किया है ना, शाहरुख खान ने पहना हुआ था, वह काजोल ने जो साड़ी पहनी थी ना, वह चाहिए। एग्जैक्टली इसी अंदाज में दुकानदार को तंग करते हैं। खैर, यह तो उनका प्यार है, पर कुछ कुछ होता है फिल्म को जिसे पूरे 25 साल पूरे हो चुके हैं, उस फिल्म में इस्तेमाल हुई चीजों के लिए फैंस में अभी तक दीवाने हो रखे हैं। जी हाँ, एक लेडी फैन दीवानी हो चुकी है राहुल यानी शाहरुख खान ने पहनी हुई चैन के लिए। आपको याद है कि वह चैन राहुल अपने कॉलेज के दिनों में एक सिल्वर कलर की चैन पहनता था और उसमें कूल नाम का पेंडेंट भी था। अब उसी चैन की मांग हो रही है, वह भी ट्विटर पर। जी हाँ, हरनीत एट नाम का एक टाइटल इस्तेमाल करके एक लड़की ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि शाहरुख खान का वह कूल नेकलेस मुझे कहाँ मिलेगा। अब इस पर उन्हें कई सारे लोगों ने रिप्लाई दिए, जैसे कि आपको शाहरुख खान से पूछना पड़ेगा, तो दूसरे ने लिखा आप सच में ढूंढ रही हैं क्या, वगैरह वगैरह। पर वह लड़की खुशी के मारे तब पागल हुई जब धर्मा प्रोडक्शन ने उसे जवाब देते हुए लिखा कि आप अपना लोकेशन बता दो, आपके पास वो नेकलेस पहुंच जाएगा। सो कूल ना, और कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिया था उस लड़की ने और पूछा कि रियली? तब एक स्वीट इमोजी के साथ जवाब आया कि हाँ, कूल चेन पहनकर कुछ कुछ होता है हम समझ सकते हैं। सच में ये बातें बताते वक्त हमें भी बड़ा मजा आ रहा है। धर्मा प्रोडक्शन ने इस कदर अपने फैंस को दिल खुश कर दिया है कि वाह भाई वाह, क्या ही कहा जाए। वैसे कुछ कुछ होता है टू आने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें ट्रेंड होने वाली हैं, जैसे यंगस्टर तो फैशन के लिए साथ धूम मचाने ही वाले हैं और कॉलेजेस में क्या क्या होगा ये तो पूछे ही मत। वैसे कुछ कुछ होता है की बात ही अलग है, उसके साथ कुछ कुछ होता टू की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। इसमें सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी, पर क्या फिल्म में नएपन के साथ साथ कुछ पुराने सीन्स भी रिक्रिएट हो सकते हैं? तो जरूर हो सकते हैं। आखिर ऐसी आइकॉनिक मूवी का टच ही सिक्वल को शानदार बना देगा। और आपने देखा ही होगा तो कुछ कुछ होता है में करण ने DDLJ का सीन भी रिक्रिएट किया था। जब अंजलि कॉलेज छोड़कर जाती है तब प्लेटफॉर्म पर राहुल उसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए। कुछ ऐसा ही सीन हमने राज और सिमरन के दरमियान देखा था। अगर उस फिल्म में ऐसा हो सकता है तो उसके सिक्वल में क्यों नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि किन सीन्स को चुनकर ऑडियंस को पुरानी फिल्म की याद दिलाई जाती है। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, मैं लेती हूँ आप सबसे अलविदा एंड गुड बाय।